श्रोताओं, सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, व्यक्तिगत रूप से लोग, कलाकार और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, लोग हैं, वो आते रहते हैं। और ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोविड-19 को लेकर समाज में, देश में, हमारे प्रदेश में अवेयरनेस की, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे में ही एक कलाकार निर्देशक ओजस्वी शर्मा सामने आए और उन्होंने इंडिया फाइट्स कोरोना वायरस नामक एक वीडियो कैंपेन बनाई है। ये जो वीडियो कैंपेन है, इसमें जो बातें हैं जो सरकार या प्रशासन और जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं उनकी बातों को विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा उनकी आवाज़ में, जिसे हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स, कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह की सावधानी रखें, किस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्या सही है और क्या गलत है कोरोना को लेकर, तो इस केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए ओजस्वी शर्मा ने एक फिल्म बनाई है। इसमें कई वॉलंटियर्स ने अपनी आवाज़ें दी और जिन आवाज़ों को, जिन बातों को, जिन डूज एंड डोंट्स को आप रेडियो चटकारा के इस कार्यक्रम में सुनेंगे, तो उन आवाज़ों में जो आवाज़ें हैं, लोग हैं, उसमें एक छात्र सारा हैं, चंडीगढ़ रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट अनीश भनोट हैं, मेंबर सेक्रेटरी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी महावीर सिंह ने अपने बातें इस कैंपेन में की हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की DPR रेणुका सलवान, उनकी आवाज़ आप इस कैंपेन में सुनेंगे, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट धनंजय चौहान की आवाज़ जिसमें उन्होंने डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया है, वो आप इस कैंपेन में आगे सुनेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड के एग्जीक्यूटिव मेंबर शिव कुमार शर्मा की आवाज़ इसमें आप सुनेंगे और कलाकार एक्टर कमलप्रीत सिंह और काइट मेकर डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह ने अपनी राय इंडिया फाइट्स कोरोना वायरस नामक वीडियो कैंपेन में दी है और कोरोना या कोविड-19 को लेकर, उसके प्रति जागरूकता को लेकर ये कैंपेन बनाया है ओजस्वी शर्मा ने। आइए सुनते हैं इन सब वॉलंटियर्स की आवाज में विभिन्न संदेश। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। द न्यू कोरोना वायरस और कोविड-19 कैन बी स्टॉप्ड। वेल, द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी डोंट अलाउ दिस कोरोना वायरस टू स्प्रेड। And to do that, there are basic things which we can do. साबुन का प्रयोग करके हम थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों को धो सकते हैं या फिर सैनिटाइजर से उनको साफ कर सकते हैं। अपने हाथ को आप कम से कम 20 सेकंड तक धोते रहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले चुका है। सभी से निवेदन है कि अफवाहों की तरफ ध्यान ना दें। किसी भी तरह के र्यूमर अफवाह दे विच नहीं आना हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਸੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਆਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਮੇ ਜਿਸਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਨਿਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਵਾਈਲ ਕਫਿੰਗ ਔਰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ, ਕਵਰ ਯੋਰ ਮਾਊਥ ਵਿਦ ਯੋਰ ਐਲਬੋ or use a handkerchief or a napkin. Once you have used the napkin, dispose it immediately into a closed bin. जो भी कोरोना वायरस से संदिग्ध व्यक्ति आपको लगता है तो उससे कम से कम एक मीटर की दूरी से बात करें। दूरों सत श्री अकाल चंगी हैगी है, तो अपने जड़े कपड़े हैगे है उन्होंने बार तो बार चेंज करो। अपने पॉकेट दे विच एक मास्क रखो जो कि तुहानू प्रोटेक्ट करेगा लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट दे विच आन वास्ते। ग्रुप्स को अवॉइड करें, बाहर सोशल गैदरिंग से बचें, अपने घर पर रहें, पब्लिक कांटेक्ट में ना आए ताकि हम थर्ड स्टेज है जो कोरोना वायरस के फैलने की उससे रुका जा सके। सपोज यू गो टू अ लिफ्ट, देयर आर 4-5 पीपल आउट देयर, टर्न योर बैक टू देम एंड स्टैंड आउट देयर, लुक्स वेरी रूड बट डजंट मैटर, दैट इज व्हाट आई रिक्वायर टुडे। जो स्नीजिंग है या कफ है, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं, वो उस हवा में बहुत तेजी से आप तक पहुंचते हैं और आपको भी इन्फेक्ट करते हैं। अगर आपको खांसी जुकाम या गला खराब की शिकायत है तो इसको अवॉइड बिल्कुल मत करें। गेट मेडिकल असिस्टेंस इमीडिएटली, कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट डॉक्टर और अ मेडिकल फैसिलिटी सून इनफ। As schools are closed, we should avoid going out as much as we can during this period of time. जो एक रिस्ट्रिक्शन लगती है पर उनको खेलने ना जाने दिया जाए, क्योंकि वो कहां गलती से एंजाइटी में हाथ लगाएंगे उससे भी कोई भी इन्फेक्शन आ सकती है। And we can read
watch movies, good TV programs, and interact with our family members. If you have had any recent travel history, do not hesitate to share it with your nearest medical supervisor or a doctor you visit. ये बिल्कुल सच ही कहा है किसी ने कि prevention is better than cure. School, college, university और जितने भी मॉल हैं यहाँ पर सिनेमा घर हैं उनको अगले जब तक ये स्थिति नियंत्रण में नहीं होती तब तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं और हमें इनका पालन करना चाहिए. The World Health Organization and the Department of Health keep on giving out recommendations and guidelines. Follow them. If you want to spread them happily. ये हम सब जानते हैं कि इस वायरस की अभी तक कोई भी दवाई मार्केट में नहीं है, कोई भी इलाज जो है उस तरह का मार्केट में नहीं है. सिर्फ सिम्टम्स को देखकर वो दवाई ली जा रही है, जैसे कि कोल्ड है, कफ है, बुखार है. कॉन्टैक्ट योर स्टेट्स हेल्पलाइन नंबर, वेरियस नंबर्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट डिपार्टमेंट्स इन केस इफ यू नीड, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द न्यू कोरोना वायरस. Even if you are infected or even are suspected to be infected or you have a case in your neighborhood who is infected, so you can use state helpline numbers to inform them and seek immediate help. आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे उतना ही आप इस बीमारी से बच पाएंगे. अगर work from home है तो आप घर में रहकर अपना काम कीजिए. But don't spread rumors. सुरक्षा आपके हाथ में है. Safety is in our own hands. Stay healthy, stay safe. Be wise, be responsible citizens. अभी आप सुन रहे थे इंडिया फाइट्स कोरोना वायरस कैंपेन, जिसे बनाया ओजस्वी शर्मा ने. इसमें आवाजें थी सारा, अनिश भनोट, महावीर सिंह, रेणुका सलवान, धनंजय चौहान, शिव कुमार शर्मा, कमलप्रीत सिंह और डॉक्टर देवेंद्र पाल सिंह की.